फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर मसाला डोसा, जिसके लिए मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया है। और इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे इस तरह से थोड़ा सा ठंडा किया जाता है। जब भी आप डोसा बनाएं, इस तरह से तवे को थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए। ये मैंने डोसे का बैटर ले लिया है। डोसे के बैटर की रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। इसे हम इस तरह से फैला देंगे। पर हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, आप बटर का भी यूज कर सकते हैं, और फ्लेम को कम कर देंगे। इस तरह से इसे प्रेस कर देंगे जैसे इसकी सारी एजेस एक बराबर हो जाए। इसके ऊपर हम डाल देंगे पनीर, ये कद्दूकस किया हुआ पनीर है। इसके ऊपर हम बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल देंगे। इसके ऊपर हम डाल देंगे पोड़ी मसाला या सांबर मसाला, जो भी आपके पास है। थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे और फिर थोड़ा सा इसे इस तरह से प्रेस करेंगे जिससे इसमें सारा मसाला लग जाए। करीब 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह से इसे पकने देंगे, जैसे हमारा पनीर अच्छी तरह से कुक हो जाए। 2 मिनट के बाद हम ये डाल देंगे आलू की सब्जी, जो हम डोसे के साथ बनाते हैं। ये है इसका मसाला, इसके ऊपर हम डाल देंगे और थोड़ा सा इसे इस तरह से प्रेस कर लेंगे पूरे डोसे पे। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया यूज कर सकते हैं, चीज का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस बार चीज नहीं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि पनीर पहले से ही हैवी रहता है और चीज डालने से ये ज्यादा हैवी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, डोसे ने किनारे को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसे निकाल देंगे, इसे इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कितना हमारा अच्छा डोसा बना है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी। इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। दोस्तों, तैयार है हमारा पनीर मसाला डोसा, जिसे मैंने पनीर से गार्निश कर दिया है। तो दोस्तों, आप भी अगर ऐसी ही रेसिपीज बनाना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट पढ़ते हुए बहुत खुशी होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।